हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। आज जी हम डॉग्स को वॉक करा रहे हैं, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं लगे हाथ एक वीडियो बना लेते हैं। और मेरे साथ जो है हमजा भाई भी हैं। हमजा भाई हेलो बोल दें। ठीक हो गया। अच्छा, आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करता चलूँगा वॉक के हवाले से, क्योंकि वॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके डॉग्स की हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, उनके मसल के लिए। और जो अक्सर डॉग्स में हिप डिस्प्लेसिया का इशू आता है उसको भी हम वर्जिश के जरिए, डाइट के जरिए तो डेफिनेटली, लेकिन वर्जिश के जरिए भी कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉक करते हुए आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपके डॉग की लीश है वो अच्छी क्वालिटी को, ताकि जो है डॉग ज़्यादा जो है आपके अगर खींच भी रहा है आपको तो उसको रैश ना पड़े। और हमजा भाई भी साथ साथ वॉक करा रहे हैं। और कोशिश करें कि डॉग को जो है कच्ची जगह पे वॉक कराएं। उसकी रीज़न ये है कि इसके पाँव ज़ख्मी नहीं होंगे, क्योंकि अगर पक्की जगह पे डॉग आप बांधते हैं और पक्की जगह पे ही वॉक कराते हैं, सपोजिंगली अगर आप रोड पे वॉक कराते हैं, तो इसके पॉज के नीचे जो स्किन होती है वो उधड़ने लगती है, जैसे इंसान की स्किन एड़ी से फटने लगती है। और उसको क्योर करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि डॉग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाता है। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश ये भी है कि कोशिश किया करें डॉग को खुला भी छोड़ा करें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप बांध के ले कर जा रहे हैं तो कच्चे पर चलाएँ। और देख सकते हैं कि डॉग खुश है, अभी काफ़ी ज़्यादा वॉक कर चुका है, लेकिन स्टिल अभी तक मुझे खींच रहा है कि मैं मज़ीद जो है इंजॉय कर लूँ। हमजा भाई जो है अब इसको एक दौड़ का सेशन लगवा रहे हैं। और ये जर्मन शेफर्ड जो है थोड़ी सी इसको रेस्ट दी है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सांस चढ़ गया। मैंने कहा रेस्ट देनी भी ज़रूरी है, इंटरवल्स के साथ वॉक कराएं। ये नहीं कि आपने जो है डॉग को वॉक करानी शुरू की है तो आप लगातार जो है डेढ़ घंटा वॉक ही करा रहे हैं। जब आप देखें कि डॉग जो है थोड़ा सा थक गए तो डेफिनेटली उसको रेस्ट दें। और आप देख सकते हैं बैठ गई, इजी हो गई है फीमेल। लोग कहते हैं कि जी पिटबुल जो है, चाहे वो शो लाइन है गेम लाइन है, बड़ा अग्रेसिव होता है, तो मैं ये जी मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूँ। ये आपके सामने जर्मन शेफर्ड भी साथ इसके वॉक कर रही है, और आप एक पिटबुल फीमेल भी देख सकते हैं, दोनों साथ हैं, दोनों का प्यार है। और आप तमाम दोस्तों की गलतफहमी दूर करते हुए कि इनकी बॉन्डिंग कराई जा सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग पे है और आप डॉग्स को कैसे मैनेज करते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, ये भी सच है कि कुछ डॉग्स की ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग और आपकी मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और ये आप पीछे एक देख सकते हैं गाय, ये थोड़ा लगता है गुस्से में आ गई, हमें लगता है अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए।
ये देख सकते हैं आप फीमेल और पिटबुल साथ साथ, ठीक है जी। ये भी नज़ारे आपको करा दी, और ये पीछे गाय आ रही है हमसे मिलने के लिए। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने डॉग्स को वॉक करवाई है, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी थक गए हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में एक और नसीहत करता चलूँगा। आप अक्सर अपने डॉग्स को जब वॉक करवा के लाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है भाई वो फौरन जो है ना डॉग के आगे पानी रख देते हैं। फौरन पानी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसकी जो सांस है जो फूली हुई है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप डेफिनेटली पानी दें, खुद भी पानी पिए। ये एक थी छोटी सी टिप, इसी तरह किसी नेक्स्ट टिप के साथ जो है अगली वीडियो में मिलूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़।